एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। यहाँ पे मैंने पिछले ब्लॉग का एंड किया था जो कि तीज ब्लॉग फर्स्ट पार्ट था और ये सेकंड पार्ट आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। थोड़ी झलकियाँ आपने शुरू में देखी ली कि कल के ब्लॉग में क्या था, तो अब ये मेरा डिनर रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आज डिनर में क्या मैंने बनाया था। तो यहाँ पे छोले मैंने छोंकने की तैयारी करी है, ये छोले बॉयल हो गए हैं और बिना प्याज का आज मैं खाना बनाने वाली हूँ। प्याज किसी भी खाने में नहीं जाएगा। थोड़े से खड़े मसाले, तेज़पत्ता, लौंग, बड़ी इलायची और जीरा, हींग, ये सब करके फिर मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसमें जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि कुछ मैंने छोले बॉयल करने में डाल दिया है। और अब इसको मैं छोड़ दूँगी थोड़ी देर पकने के लिए। आप प्याज का खाना इसलिए क्योंकि आज भगवान जी को भोग लगेगा, और वैसे भी मतलब प्याज का आज इसलिए नहीं बना रही हूँ, वैसे तो भोग लगता ही है डेली, लेकिन जैसे फेस्टिवल में होता है कि एक सब्ज़ी मैं प्याज की बना लेती हूँ, एक बिना प्याज की बना लेती हूँ, तो आज मैं दो सब्ज़ियाँ बनाऊँगी, दोनों ही बिना प्याज की। पूरी थाली आज सात्विक रहने वाली है। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाला है छोले मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला। उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैंने ये छोले जो कि बॉयल हो रखे हैं वो इसमें ऐड कर दिए हैं। और कलर वाले नहीं बना रही हूँ, मतलब काले छोले नहीं बना रही हूँ, सिंपल येलो। और यहाँ पे ना मुझे थोड़ा खड़े खड़े से छोले लग रहे थे, तो उनको मैं देख रही हूँ, लेकिन अच्छे से सॉफ्ट हो रखे हैं। और छोले ना श्रेय ने बॉयल कर दिए थे, क्योंकि पूजा के बाद मुझे शॉप पर जाना पड़ गया था, बहुत सारे कॉल आ रहे थे और मैं फ़ोन घर पे ही छोड़ गई थी, किसी को आना था, तो फिर थोड़ा लेट ही मैं हो गई थी खाना बनाने में, पर वो काम भी मेरा ज़रूरी होता है। मना यहाँ पे श्रेय ने पीस दिए हैं टमाटर दोनों सब्जियों के एक साथ ही, मतलब उसको नहीं पता था छोले के भी और जो मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी उसके लिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ काजू और कुछ वो भिगाए थे, क्या बोलते हैं उसको, खरबूजे के बीज, तो इनको मैं इसी में डाल के ना और इनको पीस लेंगे अब इसी में डाल के, क्योंकि इसकी प्योरी मैं ऐसे ही बना रही हूँ, बिना प्याज का बनाऊँगी मैं पनीर, शाही पनीर। तो अब इसको इसमें पीस लेंगे और फटाफट से, छोले तो मैंने छोंक दिए, अब मैं इसको भी पीस के और अब पनीर छोंक देती हूँ फटाफट से। आज ना डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे, थोड़ा सा वो नहीं बनाऊँगी जैसे प्याज और वो टमाटर भून के फ्राई करके पीस के बनाते हैं ना, वो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बिना प्याज का बना रही हूँ सारा खाना आज। तो ये लीजिए, अब ना इसको हम थोड़ा सा पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने चढ़ाई है कढ़ाई और उसमें डाल दिया है एक तेज़पत्ता और छोटा सा टुकड़ा है दालचीनी का। बहुत ज़्यादा दालचीनी का फ्लेवर फिर बहुत मतलब स्ट्रांगली फ्लेवर भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन शाही पनीर में दालचीनी का फ्लेवर अच्छा रहता है। और इसमें मैंने हरी इलायची में डालना भूल गई थी, वो भी डाली जाती है। ये सारे खड़े मसाले ना उसमें डाल लेते हैं जब हम टमाटर और प्याज को भूनते हैं। थोड़ा सा डाला है हल्दी पाउडर और कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, और अब इसको मैं मिक्स करके ये जो प्योरी बना के रखी थी ये इसमें ऐड कर दूँगी। बहुत ही बढ़िया सी क्रीमी सी हमारी ये प्योरी बन गई है। और अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद, मतलब आँच मैंने तेज ही कर रखी है, जल्दी से इसमें बॉयल आ जाएगा चलाते हुए, क्योंकि थोड़ी सी काजू हैं और जो है खरबूजे के बीज हैं कि कहीं नीचे चिपक ना जाए, अगर चलाएंगे नहीं तो थोड़ा सा इसको पहले चला देते हैं। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से। वैसे तो मैं मटर पनीर भी बना लेती, पर अभी दूध फटा था ना, एक दिन आपके साथ शेयर भी किया था, उस दिन मैंने मटर पनीर जल्दी ही बनाया था, मैंने चलिए शाही पनीर बनाते हैं, सुबह से ही पहले ही मैंने प्रोग्राम बना के रखा था और पनीर भी मंगवा के रख लिया था, क्योंकि मैं डेयरी से ही पनीर मंगवाती हूँ जो फ्रेश होता है, तो उसको छोड़ दिया है मैंने कवर करके और मीडियम फ्लेम कर दी है। यहाँ पे ये पनीर है जिसको मैं कट कर लेती हूँ सिंपल तरीके से, पीस कट कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई इसका ट्रायंगल या कोई स्पेशल शेप दे रही हूँ। अब
चेक कर लेते हैं ये ग्रेवी जो कि अच्छे से पक चुकी है। अब ये जो मिक्सी का जार रखा था उसमें मैंने पानी डाल के और वो भी इसी में ऐड कर दिया है क्योंकि उसमें थोड़ा सा पेस्ट लगा हुआ था। पानी इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी क्योंकि ये काफ़ी थिक लग रही है। थोड़ी देर रखने के बाद ना कुछ भी ग्रेवी हो और भी थिक हो जाती है। और पानी मैंने इसमें थोड़ा ही डाला है, थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है दूध क्योंकि आज इसमें मैं ज़्यादा क्रीम ऐड नहीं करूँगी और शाही पनीर में ना दूध डाला जाता है, अच्छा बनता है, क्रीमी फ्लेवर आता है। तो इसमें बॉयल आ गया है दूध डालने के बाद और थोड़ा सा पानी डालने के बाद अब इसमें डाल दूँगी मैं ये पनीर। ग्रेवी तैयार हो जाए तो पनीर बनाने में टाइम नहीं लगता क्योंकि पनीर को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना पड़ता है। और बस अच्छे से इसको मिक्स करके छोड़ दूँगी मैं पकने के लिए। सब्जियां तो लगभग रेडी हो गई है, अब चलते हैं मीठे की तरफ। तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है और सूजी, घी मैंने लिया है यहाँ पे, मतलब सूजी के हिसाब से थोड़ा सा कम सूजी से उतना घी मैंने लिया है क्योंकि इस बार सूजी जो है वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है। बहुत ज़्यादा जो मोटी सूजी होती है वो थोड़ा कम घी लेती है और उसमें बहुत ज़्यादा घी घी हो जाता है। और जो थोड़ा सा बारीक वाली सूजी होती है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है, लेकिन इस बार की सूजी जो है वो बहुत अच्छी है। और घी हमेशा मैं इतना ही डालती हूँ, ऐसा नहीं है कि पानी की तरह इसमें घी रखूँ, और इतना घी काफ़ी होता है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मैंने भून लिया है, मीडियम आँच पे भूनी जाती है सूजी, नहीं तो नीचे से ना बहुत जल्दी डार्क हो जाती है। सूजी में खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है और कलर बहुत ही प्यारा सा आ गया है। तो अब इसमें मैंने पानी ना गरम कर लिया है, पानी बॉयल होने के बाद फिर हलवा और भी जल्दी बन जाता है। कभी मैं ठंडे पानी से भी बना लेती हूँ और कभी मैं बॉयल पानी से बना लेती हूँ, चीनी मैं उसमें ऐड नहीं करती। तो यहाँ पे ये जाएगा इसमें उबला हुआ पानी और चीनी मैं साथ में ऊपर से ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मैं चीनी पहले डाल देती ना तो इतना मतलब उफान नहीं आता है फिर, पर आज मैंने चीनी पहले नहीं डाली, नहीं तो मैं सूजी में ना पहले चीनी मिक्स कर देती हूँ, उससे बहुत ज़्यादा उबाल नहीं आता, गर्म बॉयल पानी डालते हैं। लेकिन आज मैंने ही नहीं डाली, मैं मतलब ना जल्दी जल्दी कर रही हूँ तो वो कटोरी में डालना भूल गई थी, तो बीच बाद में इसमें मैंने चीनी भी ऐड कर दी है टेस्ट के हिसाब से। और चीनी हमेशा उतनी ही मैं डालती हूँ जितनी सूजी होती है, सूजी मतलब सूजी से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी डाली जाती है, लेकिन चीनी में वेट होता है। जितना बर्तन हमारा सूजी का भरा हुआ होगा, कप हो कटोरी हो, तो उतना ही भर के अच्छे से चीनी डाली जाती है। ड्राई फ्रूट में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम कट करके डाल दिए हैं। और अब इसको चलाते हुए मैं थोड़ा सा और पका लूँगी। अगर हम बॉयल पानी से हलवा बनाते हैं ना बहुत जल्दी बन जाता है, ठंडे पानी का ये रहता है कि उसमें झाग झाग से ज़्यादा आ जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। पनीर भी हमारा रेडी हो गया है, इसको मैंने बहुत लो आँच पे छोड़ दिया था और हलवा बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब मैंने इसमें आधा चम्मच चीनी ऐड करी है हल्का सा मीठापन देने के लिए, सिर्फ आधा चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा मीठा सा फ्लेवर आता है ना शाही पनीर में तो वो अच्छा रहता है, टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं। हलवाई लोग ना बहुत ज़्यादा मीठा कर देते हैं, उसमें बिल्कुल टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ पे हलवा एक बार और मैं चला देती हूँ और थोड़ा सा अब मैं जो पनीर है उसमें डाल दूँगी हल्की सी मलाई फैट के, क्योंकि क्रीम तो मेरे पास है नहीं, लेकिन बहुत ही थोड़ी सी डालूँगी, ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा पनीर बन गया है और हलवा उससे भी बढ़िया बन गया है। ये देखिए इतने घी में परफेक्ट खिला खिला हलवा, एकदम जो बर्तन में लगता भी नहीं है, मतलब चिपकता नहीं है, उस तरीके का हलवा खिला खिला दानेदार बन के तैयार हो जाता है। और आज का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद आया था सबको, श्रेय को, वंश को, मतलब सबको पसंद आया आज का हलवा बहुत ज़्यादा। पनीर रेडी हो गया है, गैस मैंने बंद कर दी थी क्योंकि थोड़ा सा मैं काम कर रही थी और इसमें थोड़ा सा क्रीम मुझे डालनी थी, तो क्रीम तो नहीं है, मलाई ही मैं हल्का सा इसमें डालूंगी और थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए। और थिक भी थोड़ा सा हो रहा है तो हल्का सा दूध मैंने डाल दिया, सिर्फ 2 चम्मच ही मैंने डाली है, बहुत ज़्यादा नहीं। क्रीम से अच्छा लुक आता है लेकिन क्रीम नहीं थी। तो यहाँ पे खाना लगभग रेडी हो गया है और इसके साथ मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाने हैं नान। और नान कोई मतलब होममेड मैं पूरे तरीके से नहीं बनाऊँगी, जो रेडीमेड पैक आता है ना वो है, तो वो ऐसा देर नहीं लगती है उसको बनाने में, वो बहुत जल्दी बन जाता है। तो उसका आटा मैं लगा के अब तैयार कर लेती हूँ। बाकी छोले और जो है पनीर, रायता, बूंदी वाला रायता बनाया है, सब कुछ रेडी हो गया है। और इसके बाद थोड़ा बहुत बर्तन का काम करूँगी, तब तक ये थोड़ा सा रेस्ट कर लेगा। तो ये वाला पैक था और
ये देखिए सारा कुछ इस पे दिया गया है, कैसे इसको बनाना है, कितनी देर इसको रेस्ट कराना है, सब कुछ। तो उसी के हिसाब से मैंने इसको बना लिया है, ये देखिए। और ये मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, मैंने आज तक ऐसे नहीं बनाए। लेकिन एक बार ना ये पाउच दिख गया था वहाँ पे, मैंने चलिए इसको देख लेते हैं, जैसे सांभर वगैरह का आ जाता है इडली का, तो उसी टाइप से ये भी था। ये छोटा सा पाउच इन्होंने इसमें दे रखा है, इसको पानी में घोल के इसमें डाल देना है, शायद ये इसका जो है वो खमीर जिसको बोलते हैं वो है। मैं तो खमीर वगैरह नहीं घर में रखती हूँ कुछ भी, तो ये इसमें डाल देती हूँ। जैसे जैसे इन्होंने बोला, मतलब उस पर था, मैं उसी तरीके से इसको कर रही हूँ। और ये आटा हमें दूध से लगाना है, और इसमें जाएगी दही, मतलब आटे के हिसाब से जितना मेजरमेंट दिया गया था उतना ही मैंने इसमें दही ऐड करी है, और ये जाएगा दूध नॉर्मल टेम्परेचर का। और बस इसे डो लगा के मैं तैयार कर लूँगी यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ना है और फिर इसके नान बना लेंगे। यहाँ पे मैंने तवा गरम कर लिया है, और सिंपल तरीके से जैसे हम नान बेलते हैं वैसे बेला, एक साइड पानी लगाया, धनिया लगाया, दूसरी साइड हरा धनिया कट करके, और बस जब मुझे लगा कि यहाँ नीचे से हो गया है, पता लग ही जाता है, फिर मैंने इसको ऐसे उल्टा करके गैस के ऊपर सेक दिया। और ये नॉन स्टिक तवे पर तो बनते नहीं हैं क्योंकि चिपकते नहीं हैं, उतर जाते हैं। तो अगर हमें ऐसे सेकना है तो फिर लोहे के तवे पर ही बनाया जाता है, जो आयरन का पूरा नॉर्मल हमारा तवा सिंपल वाला होता है। और ये देखिए परफेक्ट नान सीख के हमारा रेडी हो गया है। तो यहाँ पे अब कर लेते हैं सर्विंग, ज़्यादा मैंने नहीं दिखाया क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था, मैंने फटाफट से सर्विंग कर लेते हैं। खाना पीना हो गया है, और बर्तन इतने ज़्यादा हो गए थे, बहुत ज़्यादा, तो कुछ मैंने करे और कुछ छोड़ दिए। अब हिम्मत नहीं रही है क्योंकि फास्ट है, और फास्ट में भागा दौड़ी भी बहुत ज़्यादा रही है पूरा दिन आज, तो लेट भी काफ़ी हो गया है। 10:30 हो रहे होंगे ना, ज़्यादा ही हो रहे हैं, 11 बज रहे हैं, और बस अब सोने की तैयारी कर रही हूँ, थकान हो रही है बहुत ज़्यादा। तो जी ऐसा रहा हमारा तेज सेलिब्रेशन, आपके साथ शेयर किया, कुछ डिफरेंट रहा पर अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझे। पूजा अच्छे से हो गई और सही टाइम पे हो गई, सब कुछ अच्छे से हो गया। खाना मैंने थोड़ा सा लेट बनाना शुरू किया क्योंकि मैंने बोला था ना कि सुबह कोई आने वाला है शॉप पे, तो वो सुबह नहीं आके, जब मेरी पूजा ख़त्म हुई तब आए वो शाम को, तो उनके लिए मुझे दुकान पर फिर जो है जाना पड़ा, और वहाँ पे फिर मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। फिर मैं आई, तब जाके फटाफट सारा खाना बनाया। और खाना कैसा बना था बच्चों? बहुत ज़्यादा टेस्टी। श्रेय को आज ज़्यादा ही आनंद आया है, एक से बढ़कर एक टेस्टी आज जो है सारी डिशेस बन रही थी, और पति देव सो गए, है ना? सो गए, जाग रहे। बताओ नहीं खाना बताओ कैसा बना था। खाना तो बहुत टेस्टी, सो गए। होटल वाला, होटल से भी ज़्यादा अच्छा खाना बना था, होटल वाला बना था, होटल से अच्छा था भाई। होटल का टेस्ट तो देखो बाहर का अलग होता है, हमारा अपना अलग होता है कि नहीं? जैसे बिना प्याज का था, हाँ सारा बिना प्याज का खाना बहुत टेस्टी बना था, सब अच्छा रहा। कारीगर कारीगर
कारीगर है तेरी माँ। हाँ सही है, कारीगरी है सब, और क्या। तो जी बताइएगा आपका सेलिब्रेशन कैसा रहा और आप तीज कैसे मनाते हो। देखिए बस हमारे यहाँ पे ना झूले की कमी रह जाती है, और वैसे भी मुझसे झूला तो जाता नहीं है, मुझे उल्टी आ जाती थी पहले भी बचपन में जब हम गांव में झूलते थे, तो ज़्यादा नहीं मैं झूल सकती, पर हाँ थोड़ा बहुत तो। तो जी अब तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो है ही नहीं था, हमारे सब यही बोल रहे थे कहीं दूर दूर कोई मतलब ऐसा था नहीं फंक्शन। बाकी होते हैं यहाँ पे फंक्शन तीज के, बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं, लेकिन हमारी कॉलोनी में नहीं होता, दूसरी कॉलोनी में होता है। और जो थोड़ा सा मतलब जैसे क्या बोलूँ, सोसाइटी वगैरह में तो खैर होता है, हमारी ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है, नॉर्मल कॉलोनी है तो इसमें होता नहीं है। और ज़्यादा बड़ी बात ये भी है कि इसमें जो हमारी साइड के लोग हैं ना यहाँ पे, हमारे मोहल्ले में तो है नहीं, नहीं तो थोड़ा बहुत कर भी ले। तो इसलिए मैंने आज स्पेशली पूजा रखी कि आज मेरा जो तीज सेलिब्रेशन है वो मंदिर में होगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से, और हुआ भी बहुत अच्छा लगा। तो जी चलिए, काफ़ी लेट हो गया है, सुकून से शांति से पूरा दिन निकला। बताइएगा अभी क्या अच्छा लगा आज के व्लॉग में, आपको कुछ भी पसंद आया हो एक लाइक देके मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, या मतलब किया है, क्योंकि हर जगह का देखो अलग ही रिवाज होता है। हाँ थोड़ा सा आज मेरा डिफरेंट भी रहा, खाना भी मैंने आज रात में बनाया, मतलब डिनर में बनाया, नहीं तो लंच में बनता है, तो थोड़ा सा चेंज रहा। तो जी चलिए, मिलती हूँ आपसे बहुत बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, नहीं किया तो जल्दी से आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलती हूँ बहुत जल्द, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।